मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के हालात, यानी कि जो हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो किस बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और क्या क्या एक घमसान का रन हमें नजर आता है, और वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करेंगे तो उसमें यूक्रेन और अमेरिका और फिर इसके अलावा इंडिया की बहुत बात की जाएगी। एक और मैं बात आपको जो बहुत बड़ी हम आज हम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में OIC हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस किस हद तक बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि 57 कंट्रीज और फिर ये कि इसमें 140-150 से ज्यादा जो है रेजोल्यूशंस कहा जा रहा है, और इसका जो मेन एजेंडा बताया जा रहा है वो है कश्मीर, पैलेस्टीन, इस्लामोफोबिया, इस तरह के मसाइल जो हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत दिल के करीब हैं, वो उन्होंने वही वाले इसके एजेंडे में रखे। और भी बहुत सारी बातें इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट है वो ये भी है कि जैसे ही OIC स्टार्ट हुई तो उसके उससे पहले UAE का एक डेलीगेशन इंडिया कश्मीर पहुंचा, और वहां पर वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। इस पर हमारे साथ आज काफी दिन के बाद शरीक हो रहे हैं, पाकिस्तान अभी विजिट करके गए हैं, इनको बहुत अंदर की बहुत गहरी बातों का पता है। सीनियर पॉलिटिशियन तो है, इसके साथ साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जनाब साजिद दार साहब। साजिद दार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू सो मच, माई प्लेजर आलिया। और स्पेशली अभी मैं पाकिस्तान से जिस तरह आया, जिस ना सिर्फ पाकिस्तान में गर्मी बढ़ रही है बल्कि आपकी सियासत में भी हिद्दत आई जा रही है, और मैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के पास ठहरा। और मैं कई दोस्तों से जो कि सारी पार्टियों में है, मेरे पुराने कोलीग, मेरे क्लासमेट्स और सारे, और उनसे बड़ी अजीब बातें सुन के आया हूँ। लेकिन ये कि ज्यादातर चीजें शर्मिंदगी के बायस है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें अदम इतमाद जो की जो तहरीक होती है वो हर कंट्री के अंदर, अमेरिका में देखें प्रेसिडेंट ट्रंप 2 दफा इम्पीच हुए थे, और ये हक होता है, ये एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है। लेकिन यहाँ पे आपके बस वो उल्टा सिस्टम है कि आपकी गवर्नमेंट धमकियों पे उतर आई है, 10 लाख लोग खड़े करेंगे, उनके दरम्यान पुल सरात से गुजर के लोग जाएंगे वोट डालने, और वहां से उनसे उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर जो मैं यहाँ पे एक अजीब माहौल मैं देखता हूं कि वो एक सर्कस बन चुकी है। देखें कि जो लोग इनको अगले दिन खान साहब ने जो तकरीर अपनी आखिरी फरमाई, उन्होंने उन्होंने आधी तकरीर में लोटा लोटा लफ्ज इस्तेमाल किया है, और जिस पे मुझे एतराज है क्योंकि आपकी खुद अपनी पार्टी पूरी लोटों पे मुश्तमिल है। जब तरीन साहब लोटे भर भर के लाते थे आपकी पार्टी में, वो कौन लोग थे जो इलेक्टेबल थे? अगर अगर कोई क्वेश्चन करे आपसे, पूछे खान साहब से कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्टेबल्स, आप दूसरी पार्टियों के सारे आप जो इलेक्टेबल लेकर आए और आपने वॉशिंग मशीन बना के उन्हें सारे रियासत मदीना के ठेकेदार बना दिया आपने एक मिनट में, तो वो सारे लोटे थे। और मैं आज हैरान हूं इस बात पे कि मुबशर रुकमान ने अपने एक वीलॉग में खान साहब की जब वो पुरानी वीडियो चलाई जिसमें खुद फरमा रहे थे कि कायदे आजम साहब भी मुस्लिम लीग में आने से पहले कांग्रेस के मेंबर थे, तो पार्टी चेंज करना तो गुनाह ही नहीं है। वो तो खुद पहले जो थे कायदे आजम ऑल इंडिया पार्टी के, ऑल यूनाइटेड इंडिया के हक में थे, तो पार्टी चेंज करना तो गुनाह ही नहीं है, ये खुद फरमा रहे थे उसमें। और आज ये कहते हैं कि वो बेजमीर हैं और हम जो इस तरफ हैं बाजमीर हैं। मेरे पास किस तरीके से, बल्कि उनको एंटी इस्लाम करार दिया जा रहा है कि वो गैर मुस्लिम है जो चले गए, बच्चियों की शादियां किस तरह करेंगे, इनको फिक्र पड़ गया आज उनकी बच्चियों की शादियां की। लेकिन अगर 3.5 साल देखा जाए तो जितने लोग मुंतखब होकर आए थे उनकी कोई इज्जत अफजाई, उनको कोई रिकग्निशन थी? चंद अमीर लोगों के, करप्ट अमीर लोगों के बच्चों को इंपोर्ट किया गया बर्तानिया से और अमेरिका से, और पूरी गवर्नमेंट वो चलाते रहे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलना था? वो ये रिजल्ट निकलना था जो आज निकल रहा है। राजा रियाज छोड़ गए, वो वट्टू साहब आज उनके आ गया, बल्कि मैं समझता हूं कि अपोजिशन का बड़ी अच्छी कंपेन है कि हर रोज एक नया MNA निकाल रहे हैं, और मेरे अंदाजे में उनके नंबर 40 से ज्यादा है जो छोड़ के जा चुके हैं। पहले तो हमारे जो रमेश कुमार साहब थे उन्होंने 3 फेडरल मिनिस्टर्स की भी बात की थी, आज ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो 3 से नंबर ज्यादा है फेडरल मिनिस्टर में। तो अगर देखा जाए तो असूलन सिर्फ 2 ही लोग PTI के मौजूद हैं इनके पास, असद उमर हैं और गवर्नर इस्माइल हैं सिंध के, बाकी तो सब लोटे आपकी पार्टी में खुद मौजूद हैं। तो किस किस जोर पे आप, किस बात पे आप कह रहे हैं कि ये लोग लोटे लोटे हैं? मैं इनको ब्लेम नहीं करता, मैं इनको लाने वालों को ब्लेम करता हूं जिन्होंने दोनों पार्टियों के साथ इस नफरत में इस हद तक चले गए कि इनके लिए वो सारा मरहबा। अब वो इसीलिए तड़प रहे हैं
इसलिए उनको जानवर भी कह रहे हैं, इसीलिए उनको मुख्तलिफ अलकाबात दे रहे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल अभी हुए हैं, वो किसी साइड पे नहीं गए, सिर्फ न्यूट्रल हुए हैं वो, तो इनकी जान निकल गई। तो ये ज्यादती है, मेरा मतलब ये इनके साथ ज्यादती नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब खान साहब चाहते क्या है, वो रेड जोन के अंदर हंगामा चाहते, जो कि बहुत खतरनाक बात है। सिंध हाउस कहां था, वो रेड जोन में था, 6 कदम पर हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रेजिडेंस है। किस तरीके से लोग वहां पहुंचे और उनकी इंटेंशंस क्या थी, ये बहुत बहुत सेंसिटिव मैटर। Exactly. और ये वो मुल्क है जो इस वक्त पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका है। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं, खान साहब बाहर पिक्चर ड्रा कर रहे हैं अमेरिका उनके खिलाफ है। अमेरिका आपके खिलाफ क्यों होगा? सबसे पहले तो अमेरिका के पास टाइम है कि आपको तवज्जो दे सके, वो आप उनके मैप में ही नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरी बात यह है, अमेरिका आपसे नाराज तब हो अगर आप अमेरिका के खिलाफ को बात करें, आपकी स्पेस वो यूज करते हैं, एयर स्पेस। आपने सीपैक को रोक दिया पिछले 4 सालों में, 3.5 सालों में, वो 2% पे आ गया, 4% अपने कंप्लीशन पे। आप हर वो काम करते हैं जो अमेरिका चाहता है, और आपको क्यों निकालेगा वो? ये बिल्कुल ये जरूरी है, यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि लोस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप है आपके अमेरिका के साथ, लेकिन आपने अभी तक अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, तो आप अमेरिका को, अमेरिका क्यों निकालेगा आपको? बिल्कुल ये बिल्कुल गलत लोग, आप गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। आप इतने खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं, तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इन्फ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों के। और अभी तक आप जहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने IMF, मैं बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगा। देखें, आप दो लोग मेन जो इनके करने वाले थे वो तो भाग गए यहाँ से, आपने शहजाद साहब और दूसरे आजम खान साहब, वो भी बल्कि यहां तक तजिया यहां तक हो रहा है आलिया के, पिछले 1 साल में देखें पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और IMF को खुश करने के लिए क्या नहीं किया, और उसमें लोग ये इसका तजिया कर रहे हैं कि आजम खान साहब अपनी जाब पक्की करते रहे पिछले पूरे 1 साल से, और किस खूबसूरती के साथ वहां से निकले हैं वो। मैं समझता हूं कि इस सारे चीजों के मास्टरमाइंड तो वो थे कि सारा कुछ कर करा के, सारा कुछ जो कुछ था वो आराम से वो वर्ल्ड बैंक पे चले गए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगली गवर्नमेंट आएगी, इनसे पिछले जो पहले डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक के वो 22 महीने रहे सिर्फ यहाँ पे, इन्होंने उनको 22 महीने में, उनकी ये टर्म 4 साल की होती है, लेकिन उनको 22 महीने में यहां से वापस बुला के आजम खान साहब को पोस्ट किया गया। खान साहब, मैं कहूंगा, मेरा ये एक मशवरा होगा कि आजम खान साहब आप ज्यादा पैकिंग ना करें, क्योंकि अगली गवर्नमेंट आएगी तो उसने आपको भी फारग कर देना है, तो आप लाइट सी पैकिंग में आए कुछ महीनों के लिए, 4 साल की पैकिंग ना करें आप। तो ये इस तरह के हालात हैं। और अब खान साहब की आखिरी स्पीच जो है वो और देखें, मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकते जो 1973 में आजाद हुए, आप तो उनके साथ भी कंपेरिजन करने की पोजिशन में है, तो आप भारत के साथ कंपेयर करते हैं जो साइज में बहुत बड़ा है, जिनके अंदर जमहूरियत की एक पूरी एक्सरसाइज होती है, जो सही एक्सरसाइज होती है, हाइब्रिड सिस्टम नहीं है वहां पे। पंजाब उसकी आज जिंदा मिसाल है, आम पार्टी उसकी जिंदा मिसाल है वहां पे। वहां पे जो चीफ मिनिस्टर है उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है मीडिया में, उसने कहा है कि कोई बंदा आपसे रिश्वत मांगे मुझे उसकी वीडियो क्लिप बनाकर भेजे, मैं जानू और वो बंदा जाने। और ये मैं इसकी मिसाल देता हूं, ये आम पार्टी जो है इसने दिल्ली में पहले डिलीवर किया है। मैंने दिल्ली खुद विजिट किया, मैंने हर ड्राइवर, हर डोरमैन, हर वेटर से पूछा कि आम पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने कहा किस्मत बदल के रख दी उन्होंने दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर भी उन्होंने करप्शन का खात्मा किया, और उन्होंने कहा कि जो रिश्वत ले रहा हो उसकी वीडियो बना के भेजे, हम उसको जानेंगे, वो बंदा जाने। रिश्वत कंप्लीटली खत्म दिल्ली में। पंजाब
फिर तो रियासत मदीना दिल्ली में हुई ना। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, बल्कि मेरे दोस्त जो है वो सारे जाके मिलके आए केजरीवाल से। केजरीवाल सच अ हम्बल पर्सन, फ्रेंकली स्पीकिंग, ही हैज डिलीवर्ड, ही हैज डिलीवर्ड। मैं ख्वाहिश करूंगा इस तरह का लीडर पाकिस्तान में हुआ है, मैं ख्वाहिश करूंगा, मैं विश करूंगा इस तरह का लीडर हुआ है। उसने तो रियासत मदीना बना दिया वहां पर। आज वो जो मान साहब है, जो उनके नए चीफ मिनिस्टर साहब बने, उन्होंने वहां पर अनाउंस किया, अगर ये नंबर है, इस नंबर पर वीडियो बना के भेजो जो अफसर आपसे रिश्वत मांग रहा है, रिश्वत दो उसको और वीडियो बनाओ उसकी। हमारे खास साहब मुझे ये बताएं, इन्होंने हर चीज बना दी है सिवाय करप्शन के। हर आर्डिनेंस इन्होंने अपनी जेब में स्टैंप रखी हुई है, उस स्टैंप लगा के आर्डिनेंस निकाल लेते हैं, लेकिन करप्शन नहीं रोक सके, जो मैंडेट का हिस्सा था। अब तो खान साहब भी तारीफ करने पे आ गए, अब तो वो भी जाते जाते वो भी लेकिन इस टू लेट। देखे, उनका नंबर 85 है करप्शन में, आपका 140 है, उनका डॉलर 70 पे है, आपका 200 से ऊपर जाने वाला है। तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन। डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, इज अ स्टेट्समैन, इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो जो मौसूफ हैं, वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें, ओआईसी का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है यूएई, वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी, वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है, वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। ओआईसी, सबसे पहले मैं उस पर बात क्या करूं मैं आलिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन ओआईसी का क्या है, एक मुसलमानों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी पैरेलल टू यूनाइटेड नेशंस, जो कि कोशिश नाकाम है, वो एक सऊदी टूल बन चुका है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है, सऊदी प्रोपेगेंडा टूल, दैट्स व्हाट इट इज। उसको टर्की के साथ भी इश्यूज हैं, उनको इंडोनेशिया के साथ भी इश्यूज हैं, मलेशिया के साथ भी उनको इश्यूज हैं, और वो अगर सऊदी विल के बगैर आप कोई भी बात करें तो ओआईसी आपको वहां से बाहर निकाल देती, और एक ओआईसी आपको ना फलस्तीन पे डिलीवर कर सकी कुछ ना कुछ भी, वो ना बर्मा में कुछ डिलीवर कर पाई, ना वो सीरिया के मुसलमानों के लिए कुछ कर पाई, ना वो कश्मीर के बारे में कुछ कर पाई। तो उसको बुला के एक ऐसा मुल्क उसको बुला के इजलास कर रहा है जहां के लोग गुर्बत से में पिस रहे हैं, जो दो वक्त का खाना नहीं खा रहे, आप उन टैक्स पेयर का पैसा जो है इतने लोगों को बुलाएंगे, और आपने आज से महीना पहले, दो महीने पहले बुलाया था, एक डॉलर भी आपको देकर नहीं गए, तो उनको बुला के इतना जबर, सवाए इस वक्त ओआईसी को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं पाकिस्तान में आएगा। इस मैनिपुलेशन, आपने कहा कि सर दो वक्त का खाना जहां पर जो है वो देने की आपको फिक्र करनी चाहिए, तो उसका एजेंडा देख लीजिए, उन्होंने रखा है कि इस्लामोफोबिया, पैलेस्टीन, कश्मीर, ये सब कुछ, और असल जो मसाइल है हमारे वो तो इससे कहीं बहुत मुख्तलिफ है ना। देखिए, यहाँ वॉशिंगटन डीसी तक चीखें गरीब पाकिस्तानियों की सुनी जा सकती हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले उनके कानों में सीसा जा चुका है। यही एक सबसे बड़ा अलमिया है, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि डॉलर 200 तक जाने वाला है, और इनको जिनकी आमदनी डॉलरों में, पाउंडों में है, उनके वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं दो हफ्ते जो अपने आंखों से देख कर आया हूं, मैं ड्राइवरों से पूछता रहा हूं, वेटरों से पूछता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी के क्या हालात हैं, और वो उनके चेहरे देख कर आया, उनके आंसू देख कर आया हूं। मैं, अफसोस वाली बात है कि हमारे जो रियासत मदीना का सबसे बड़ा ठेकेदार है, मिसाल दे देता है ब्लूमबर्ग की, और उसको महंगाई भी नजर नहीं आ रही, उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। वो बातें करते, वो मिसाल देने शुरू कर देते हैं तो वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की मिसालें देते हैं, भाई उर्दू में बात करो उनको लोगों के साथ यार। अब देखें किस तरीके से यू टर्न मार के, अब इस्लाम सिर्फ इस्लामोफोबिया, और यार खाने को कुछ मुंह में पेट में होगा तो इस्लामोफोबिया की बात होगी, एक भूखे बंदे को ये जो आप बता। और मैं एक और मिसाल से पूछता हूँ, वो हजरत उमर साहब, हजरत उमर रजी ना, उनके दौर में वो एक कुत्ता भूखा सोता था, उसका भी जवाब देते, और दूसरा उनके दौर में कैद पड़ा था तो उन्होंने चोरी की सजा मुअत्तल कर दी थी। इस वक्त तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल वो टाइम आ चुका है, चोरियों की अदालतें तो पहले कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी अगर कर भी रही है तो चोरों की, अब डाकुओं की सजाएं मुअत्तल करें, क्योंकि वो टाइम आ चुका है अब इस मुआशरे के ऊपर। और खान साहब ने बड़ी चुपके से कह दिया, मैं तब्दीली देना चाहता था, पाकिस्तान अभी तैयार ही नहीं तब्दीली के लिए। सर अभी भी अगर इतनी उनकी सपोर्ट की, ना सिर्फ ये कि आवाम ने भी, उन्होंने वोट भी लिया, और हर तरह से आपको पता है
कहाँ कहाँ से उनको सपोर्ट मिली, अगर अभी भी तैयार नहीं थे तो फिर पता नहीं कैसे इनके लिए तैयारी होगी। अच्छा साजिद साहब, ये भी एक बात कि इसमें जो आईसी है, हम एक आईसी पे एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम एक और अपने टॉपिक तरफ बढ़ेंगे, इसमें अफगानिस्तान का मसला जो है वो भी एक बड़ा एक एजेंडे में शामिल। आप समझते हैं कि इस आईसी के बाद जो अफगानिस्तान में इस वक्त जो बहुत मसाइल हैं और जो बहुत पीछे चले गए कि वहां पर बहुत खाने पीने को कुछ नहीं है और बड़े बुरे हालों को है और कोई बात भी नहीं करा, तो क्या इससे वो मसला उठेगा या हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं इससे पहले कि OIC के बारे में डिटेल में जाऊं, आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि OIC के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, कोई लोअर लेवल का आदमी आ रहा है। ये पाकिस्तान को दूसरी तरफ दूसरे तरीके से सनअप करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के लिए आपने पिछली दफा OIC का इजलास कराया है, वो लोग ना सिर्फ आपकी OIC में नहीं अच्छे तरीके से शमूलियत कर रहे, बल्कि मुसलसल आपकी सरहद के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये फ्लेवर है आपकी पॉलिसीज के, लेकिन आपके आपके माथे पर बल ही नहीं है इस वक्त। आपको ये नहीं पता, मैं बल्कि दो तीन चीजें और जो थी वो मेंशन करना चाहूंगा, खास साहब की इंडिया भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी के कंपैरिजन पर। जापान के जो प्रीमियर गए भारत के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स किसी ने पाकिस्तान में कवर ही नहीं की। वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के बारे में देखे गए। उसके बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की एंगेजमेंट, उसके बाद आपने देखा है कि किस तरीके से वो रशिया से सस्ता तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी चीजों के लिए। हमारी पॉलिसीज किस तरफ हैं, किस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, आलिया अगर आप खुद को अच्छा काम नहीं कर सकते तो किसी अच्छे काम की कॉपी कर लें आप। लेकिन आप हम लोगों ने एक जिद बना रखी है, और खासकर चाइना, अपने सारे एग्स चाइना की बास्केट में डालने से पहले हमने ये भी नहीं सोचा कि चाइना एक वो मुल्क है, वो कभी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेता, वो अपने कस्टमर्स लूज नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो। तो वो आपके इश्क में इतना आगे नहीं जाएगा कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर जाए, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी होती है हमेशा। आपके सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी डॉलर बेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज खरीदनी होती है बेस में, आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें भेजनी होती है बेस में। आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी डुअल नेशनल है, आइदर कैनेडियन सिटीजन है वो, आइदर अमेरिकन सिटीजन है या ब्रिटिश सिटीजन है। आपको फॉरेन इंपोर्टेड चीजों को इस्तेमाल करने का इतना इश्क, आपको जुनून हो चुका है कि आपने अपने लीडर भी बाहर से मंगाने शुरू कर दिए हैं, वो खाते पीते हैं वापस चले जाते हैं। और मार खाता है गरीब का बच्चा जो वहां बैठा है, जिसका कोई कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो बेचारा वोट डालता कहीं है, वोट जाते कहीं है। पूरा इंतखाबी हलकों के पूरा पूरे जो अमले उठा लिए जाते हैं बाहर, उनके साथ किस्मतों के फैसले हो रहे हैं, एक लूट इस तरह की। और ये आज की नहीं है सिर्फ, ये 74 साल की। मेरे साथ इसकी कोई डिबेट करना चाहे कर ले, कि मेरा मकसद है कि पिछले अद्वार में क्या हुआ है, आज तक किसने और कौन कितना पेट्रियाटिक था, कितने नेशनलिस्ट थे लोग, मैं उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं किसी के साथ भी। लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई ये ना हो कि कोई अपने आप को यूथिया कहता हो, पटवारी कहता हो, कोई न्यूट्रल बंदा पाकिस्तानी हो, मैं समझता हूं पाकिस्तानी होना जरूरी है कि मैं अपने आप को एक पाकिस्तानी समझता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए दर्द मौजूद है। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है, मेरा कोई पाकिस्तान में इंटेंशन नहीं है, लेकिन मेरी मादरे मिलत है। जो भी बंदा पाकिस्तान को मादरे मिलत समझता है मेरे साथ डिबेट कर ले, लेकिन ये कि मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मैं अभी भी जो आया हूं, यकीन करें कि मैं बहुत बुरे हालात देख रहा हूं। इसको सियासत नहीं कहते जो कुछ भी हो रहा है वहां, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। आज मैं आखिर के ऊपर इस सियासी के बारे में, बल्कि खान साहब को अब तक जो भी मिले हैं वो सारे के सारे उनके एडवाइजर ठीक नहीं है। सबसे पहले तो किसी ने मशवरा सही नहीं दिया कि रशिया किस टाइमिंग पे जाना चाहिए था, देखिए उसी से नजर आ रहा है कि इनके एडवाइजर ठीक नहीं है। दूसरा, आज मैं जावेद चौधरी साहब का एक आर्टिकल है जो उन्होंने चार्ल्स डिगाल के बारे में लिखा है, शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चार्ल्स, फ्रांस के ऊपर जर्मनी का कब्जा था, चार्ल्स डिगाल ने वहां पे आजादी के लिए कोशिश की और वो आजादी हुई उनकी जर्मनी से, तो जब उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो उनको अपनी पार्टी के अंदर से इख्तलाफ का सामना था, तो बजाय वो लड़ने के वो उसको रिजाइन करके छोड़ के अपने गांव चले गए। 1946 से लेकर 1958 तक वो वहां रहे, अपना वो सादा खाना खाते थे, किताबें पढ़ते थे, अपने कुत्तों के साथ सारा दिन वॉक करते थे, एंजॉय करते थे। 1958 में जब अलजायर में आजादी की मुहिम चली तो उसके बाद फ्रांस के अंदर भी इंतजार शुरू हुआ, तो लोग जुलूसों की शक्ल में उनके गांव गए और उनको कंधों में बिठा के वापस पेरिस लेकर आए।
इनका कोई खास आपको अगर अच्छे टाइम पर चले जाते तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फिर जब हाथापाई होती तो शायद इनको फिर लोग लाहौर से या मियांवाली से कंधों पे उठा के ले आते, लेकिन ये उसको एक्सट्रीम में ले जाना चाहते हैं, उस एक्सट्रीम पर जाएंगे कि सियासत से इनका इनका नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। इनके एडवाइजर इनको अच्छी एडवाइस नहीं कर रहे, सियासत में इस तरह नहीं होता, यहां भी सियासत है। डोनाल्ड ट्रंप भी जहाज में बैठ के बजाय जो कुछ पिता इख्तलाफ में घर चला गया, लेकिन ये खास अब इस वक्त चाहते हैं कि रेड जोन के अंदर ड्रामा बने और वहां पे अल्लाह ना करे कुछ तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाएं कि वो अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसको सियासत नहीं कहा जाता आलिया मेरी नजर। ठीक, अच्छा सर, ये जो ऐसी है इसमें खान साहब ये जो मिसाइल की बात है वो करेंगे? अभी तक तो उन्होंने की नहीं, तो करेंगे इसमें? मिसाइल के बारे में मैंने जो खासकर जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए, सबसे पहले तो बात ये है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वॉज लाइक अ पावर शो टू शो के हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज, तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल। और मेरे ख्याल में इट वॉज इंटेंशनली डन, इट वॉज एन एक्सरसाइज, लेकिन आपका सिस्टम फ्लियोर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम इट फेल्ड। कर लेते हैं क्योंकि ये तो खैर हम ये भी समझते हैं कि चलें इसी वजह से शायद ज्यादा जो है वो वरना हम तो इनका जवाब पत्थर से देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन ही बनी कि इस खत्ते में जो है वो जंग के बादल छा जाते हैं। लेकिन चले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर बात करते हैं या नहीं करते, अभी तक तो नहीं की। लेकिन साझेदार साहब, अब जरा हम यूक्रेन और जरा रशिया की बात कर लें सर, उस पे आपको क्या नजर आ रहा है? जिस तरह ये कहा गया कि अब तो बहुत सारे लोग वहां पर लड़ने के लिए भी पहुंच गए, मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से उसकी इजाजत भी दे दी गई, तो वहां पर जब इतने लोग एक जगह पे जमा होंगे और तो क्या आप सिचुएशन देख रहे हैं और अमेरिकन स्टैंड के बारे में आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के अंदर, सिर्फ यूक्रेन के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल मिसाइल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि अमेरिका is presidentless, America is a leaderless, America has no foreign policy right now, या फिर foreign policy है तो उस foreign policy की respect कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज देखें कि अमेरिका एक तरफ से देखें किस तरह डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफ तो यूक्रेन को टूटा फूटा असला भी दे रहा है, खुल के असला नहीं दे रहे, क्योंकि हालांकि पोलैंड उनको जहाज देना चाहता था फाइटर, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उस पर वीटो कर दिया था। दूसरी तरफ अगर चाइना उनसे बात करे तो ये हमारे जो पिछले दिन अमेरिका कहने से हैं, उन्होंने चाइनीज अपने काउंटर पार्ट को थ्रेट की उसकी, लेकिन दूसरी तरफ रशिया ईरान के टेबल पर उनका पार्टनर है, दूसरी तरफ एनवायरमेंट पे रशिया को वो नाराज नहीं करना चाहते, तीसरी बात है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कई दफा कहा है कि वी कैन नॉट स्टार्ट द थर्ड वर्ल्ड वॉर विद रशिया। देखिए किस किस्म की कंट्राडिक्शन है, क्या सिग्नल दे रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त बीमार, लेचार, कमजोर नजर आ रहा है, सबसे बड़ी वजह उसकी। यहां तक कि सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त डिफेक्टो जो उनके वहां पे एक प्रिंस हैं, किंग हैं, वो बाइडन की कॉल तक नहीं रिसीव कर रहे। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि प्राइस नीचे आए, वो कॉल तक नहीं ले रहे। उसके बाद उन्होंने दूसरी थ्रेट दे दी है कि वो अपने पेट्रोल की सारी जो बाइंग है वो चाइनीज करेंसी में करेंगे। और अगला स्टेप जो मैं बताने चाह रहा था कि जब वीजा मास्टर कार्ड ने रशिया में अपने प्रोजेक्ट बंद किए, तो फौरन चाइना स्टेप इन हुआ है और स्विफ्ट के पैरेलल जो चाइनीज सिस्टम वहां पे यूज हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो कितनी कमजोरी के इराक में अरबील की जगह पे काउंसिल जनरल पे अटैक किया गया ईरानी तरफ से और अमेरिका खामोश। चाइना ने थ्रेट किया अमेरिका को कि अगर आपने ताइवान को असला दिया या किसी और मुल्क ने दिया, the consequences will be very difficult. तो इस वक्त जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, यूक्रेन भी इस वक्त बेचार लाचार खड़ा है, कोई सपोर्ट उसको हासिल नहीं है। मैं बल्कि यहां तक अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि शुमाली यूरोप और मगरबी यूरोप बिल्कुल टू डिफरेंट अपने उनकी पॉलिसीज हैं। इस वक्त फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके बिल्कुल एक साइड पर है, वो असला वो तेल भी लेना चाहते हैं रशिया से, गैस भी लेना चाहते हैं। उनको पता है अगर हमने ये चीजें बंद की
सैंक्शन ज्यादा टाइट की रशिया के खिलाफ, तो हमारी अपनी इकॉनमी क्रिपल कर जाएंगी और दे विल गो थ्रू द क्राइसिस। अब जो मशरकी यूरोप है, क्योंकि वो पहले रशिया के नीचे रह चुका है, उनको खौफ है कि अगर यूक्रेन में रशिया आया तो अगली उनकी बारी होगी, तो वो दे आर प्लेइंग डिफरेंटली। और जो मगरबी यूरोप है, दे आर बिहेविंग डिफरेंटली। दूसरी उसकी बात यह है, क्योंकि जो मगरबी यूरोप है वो पहले कॉलोनीज रख चुका है, वो आज तक कॉलोनी बने नहीं है, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप है वो पहले कॉलोनी रह चुका है, तो बोथ सेंटिमेंट्स आर द डिफरेंट, देयर बिहेवियर इज डिफरेंट, एंड अमेरिका उसमें बिल्कुल ही किसी पिक्चर में नजर ही नहीं आ रहा। तो ये एक अमेरिकन क्राइसिस है फॉरेन पॉलिसी का। मैं हमेशा इस पे ये आखिर में ये कहता हूं अमेरिकन पॉलिसीज पे कि जो बाइडन करंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर अमेरिकन न्यूयॉर्क, शिकागो, बाल्टीमोर, लॉस एंजलस के अपने अमेरिकन सिटीजन की जान की गारंटी नहीं दे सकता, तो यूक्रेन के शहरियों की किस तरह गारंटी देगा, या अपने नेटो एलाइज को किस तरह प्रोटेक्ट करेगा, दूसरे एलाइज को किस तरह सेव करेगा, ताइवान को किस तरह सेव करेगा। तो इस वक्त अमेरिका इज लीडर, नॉट ओनली अमेरिका बट द एंटायर वर्ल्ड इज लीडरलेस। बैलेंस ऑफ पावर हैज गॉन रॉन्ग। वर्ल्ड दुनिया का पावर जो है फिर ही बैलेंस होगा जब एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आज के हालात तो ये हैं कि जनरल मिली, जो कि इस वक्त हमारे सबसे बड़े अमेरिकन आर्मी जनरल हैं, उनकी प्रेडिक्शन अफगानिस्तान में भी गलत थी काबुल गिरने पे, और उनकी कीव पे भी गलत है। उन्होंने कहा था कि व्हेन द एक्सरसाइज विल टेक प्लेस फ्रॉम रशिया, कीव विल फेल डाउन इन 3 डेज, लेकिन कीव आज भी खड़ा है। तो ये पूरी दुनिया के मसाइल के पीछे अमेरिकन वीक फॉरन पॉलिसी, अमेरिकन वीक लीडरशिप, ये सब उसका मूजब है। और पाकिस्तान को भी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसी तरह है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, इनके कोई कॉल नहीं दी जा रही, सारे अमेरिकन एग्स भी इंडिया की बास्केट में डाल दिए गए हैं, जिसके मैं हक में नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान रिगार्डलेस जियोग्राफिकली, हालांकि आपकी फॉरेन पॉलिसी कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन जो जियोग्राफिक लोकेशन इज योर फॉरेन पॉलिसी, और अमेरिका को चाहिए कि उस पर तवज्जो दे, क्योंकि फिर दोबारा वो ये अफगानिस्तान वाली गलती दोबारा रिपीट ना हो, और फिर दोबारा डॉलर का और पेंटागन का नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी वो देखें नहीं तवज्जो दे रहे, लेकिन अगला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा वो इसको तवज्जो देगा। सेनेटर्स दे आर कमिंग बैक, दे आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस। आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक अमेरिकन कांग्रेस में एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने एक बिल पेश किया है पाकिस्तान के खिलाफ, सैंक्शंस के खिलाफ और दूसरी चीजें, क्योंकि उनके अंदर एक एंग्जाइटी है रिपब्लिकन लॉ मेकर्स में कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि पिछले 20 साल हमारे साथ क्या हुआ है अफगानिस्तान में, व्हाई वी फेल इन अफगानिस्तान। तो वो अल्टीमेटली दिस इज अ डायलॉग, और मेरे ख्याल में डायलॉग हेल्दी होगा, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएंगे। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए, कि हमने इनका साथ दिया और इन्होंने तो हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। नहीं, शुक्रिया तो दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इतने बिलियन डॉलर आप हमारे खा गए, तो जवाब ही था इसी चीज का। देखे ना आप, मैं ये समझता हूँ हालांकि एज ए पाकिस्तानी कि आपने बहुत ज्यादा शहादतें दी हैं, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन कंटेनर्स में यहाँ से डॉलर जाते थे, आपके वो सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं, स्विस अकाउंटों की रिपोर्टें आ चुकी हैं, दूसरी चीजें आ चुकी हैं, आपकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में आपने तरक्की नहीं की, लेकिन दुबई में बहुत है प्रॉपर्टी आपकी, लंदन में भी बहुत है, पाकिस्तानियों ने बहुत तरक्की की है। खान साहब को चाहिए अपने दोस्तों से पूछे, बल्कि उनके कई एडवाइजरों के बाप जो थे वो उसी पैसों से एंजॉय करके बाहर उन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई है। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका से पैसा जाता रहा पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान में ना रुके तो कसूर उसमें डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन का कसूर है, कसूर तो आपका है, यहां से तो पैसा गया पाकिस्तान सारा, यूएस एड के प्रोजेक्ट चलते रहे हैं, अफगानिस्तान में रशिया आया तो कंटेनर्स में जाते थे डॉलर, वहां से आप निकालते रहे, तो उसमें पाकिस्तानी, उसमें अमेरिकन का कसूर थोड़ी है। यहां पे मैं बात आप ये कह रहा था कि मैं तो समझता हूं कि आपने बहुत बड़ी शहादतें दी हैं टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाशिंगटन डीसी ये समझता है कि यू वर मर्सनरीज, आपको हायर किया गया था, यू वर पेड, यू वर टेकन केयर, दिस इज व्हाट द इंप्रेशन इन वाशिंगटन डीसी है, और आपने उनके साथ डबल गेम किया, ये क्वेश्चन है इस वक्त। रिपब्लिकन ये समझते हैं कि आपने पैसा भी लिया और हमें बेवकूफ भी बनाया, उसामा बिन लादेन को भी आपने अहमदाबाद में रखा, उसका भी जवाब दें आप, तो आपके पास इन चीजों के जवाब नहीं है, तो वो ये जवाब चाहते हैं कि आपने हमारे से डबल गेम की है। और मैं ये समझता हूं एक और बात, आलिया हमेशा जब भी कोई बंदा कंप्लेन करता है इसका मतलब है कि वो डायलॉग चाहता है आपसे, जब डायलॉग होता है तो फिर आपके रिलेशनशिप ठीक होते हैं। मैं समझता हूं कि रिपब्लिकन आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तभी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, बाइडन की तरह आपको कॉल करना कट ऑफ नहीं करेंगे वो, ये डायलॉग होना चाहिए मेरे ख्याल में, डायलॉग इज ऑलवेज हेल्दी, लेकिन टाइम आ चुका है,
वो आएगा टाइम बड़ी जल्दी, क्योंकि रिपब्लिकन्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हियर इन वाशिंगटन डीसी, दे आर वेरी क्लोज और दैट डायलॉग विल टेक प्लेस। सर बड़ी जबरदस्त नोट, बहुत पॉजिटिव नोट आपने एक ऐसी बात कर दी आखिर में। आपने कहा कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसका मतलब ये होता है कि कंप्लेन करने का मतलब कि वो आपसे इन टच होना चाहता है, रहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तार साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। पाकिस्तान से जिंदाबाद।